ईडी भेजी जाती है, बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है, बताइए। कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई को करप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो आगे करके जो अगर जो बीजेपी में जो शामिल हो गए वो ईडी से बच गए, और जो बीजेपी से करप्शन दूर कर रहे हैं वो उसका ईडी का छापे डाल रहे हैं, जो जितना भी है ये ईडी के लिए जो है जितना भी हो रहा है हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है जो सुन नहीं रही है उसके लिए हम प्रदर्शन लगातार सड़कों पर करते रहेंगे, और ईडी को ये से समझना होगा कि अपना दुरुपयोग ना करे, अपना काम अपने तक यहाँ पर रोका गया, ऐसे ही ईडी भेज के सरकार को रोका जा रहा है वहाँ पे सरकार बनाने से। जांच होने दीजिए मैम, इतने कांग्रेस क्यों बुकलाई हुई है? तो जांच में हम कह तो रहे हैं, एक बात बताइए, वैभव जी ने बोला तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव होते होते आप ईडी भेज देते हैं, ये आपका क्या तरीका है? मोदी जी ने कहा ना कि जो भ्रष्टाचार है वो जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव से पहले ही क्यों जाएंगे? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बहुत घबराई हुई है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसे पता है कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी का एक पाया टूटने वाला है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, इसके पीछे का खेल क्या है 2024 से पहले? देखिए, खेल सब जानते हैं कि रंगा बिल्ला किस खेल में है, क्या खेल करना चाहते हैं, सब जानते हैं। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, जिसकी जिसकी सोच है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब जानते हैं। क्या तो मोदी सबका साथ सबका विकास, विकास होगा कैसे? मैंने तो आज तक देखा नहीं, मुझे लग रहा है कि विकास तो 4-5 साल का बच्चा है जो आज तक कभी बड़ा ही नहीं हो पा रहे हैं। सब जानते हैं कि बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है, बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है, बताइए। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई को कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है। ये 5 राज्य के चुनाव नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। पहले क्या होता था, जहां चुनाव होते थे नरेंद्र मोदी जी खुद जाते थे, आज क्या है, नरेंद्र मोदी खुद नहीं जाते, ईडी सीबीआई को भेजते हैं, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी नहीं वहां ईडी सीबीआई। ये दर्शाता है, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सत्ता गलत हाथों में, आज होने दीजिए, क्यों बौखलाए हुए? अरे भाई सुनो, अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है जो जांच से घबरा जाएंगे, वो उनमें लिपते हैं उनके अंदर। भाई ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप ये बताइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का सरकार है वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर है, क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने कहा था सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते वो भ्रष्टाचारी है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज़्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए, ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपये किलो हुए हैं अभी? सोचिए, ये जनता समझ रही है कि जहाँ कुछ ना चले वहाँ ईडी सीबीआई चले। ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई है उसके पीछे का खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। नरेंद्र मोदी जी इन 5 राज्य के चुनावों में हार रहे हैं। सोचिए, ना कश्मीर संभल रहा, ना मणिपुर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही, और अब वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। मोदी देश सरकार को कहते हैं काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कराते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या काम कर रही है, आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। महंगाई को कम किया क्या? बेरोजगारी को कम किया? युवाओं को रोजगार दिया?
बताइए। सिलेंडर टमाटर को मुद्दा बनाया था, प्रदर्शन किए थे, कम तो कर दिया। सुनिए मुझे बताइए, सिलेंडर कितना कम किया? क्या जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, 500 रुपए के सिलेंडर से क्या इन्होंने कम कर दिया, बताइए आप। जी नहीं, ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आज अशोक गहलोत जी से घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का छापा लगा रहे हैं। सुनिए, हम जांच से नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, हम जांच से नहीं डरते। आप सोचिए देश में चल क्या रहा है, माहौल इजराइल का बना दिया। बताइए मणिपुर में, यहाँ की राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर नहीं जा सकते, वो इजराइल चले गए। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि सच्ची बातें नहीं बताई जा रही। देश को अलग रास्ते पे भरगराया जा रहा है। नहीं, मुझे बताइए, तो कह रहे हैं ना कि भारत आज जो है इंसानियत के साथ खड़ा है और इंडिया, अरे भाई, यही लोग हैं जिन्होंने इंडिया और भारत को लड़ा दिया। ये कहते हैं हिंदू खतरे में, कभी कहते हैं सनातन खतरे में। अरे भाई, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। आज खतरे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। इन पांच राज्य के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने वाली है जनता। जनता माफ नहीं करेगी। 2018 में भी तो यही हुआ था। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ था 2018 में? आप जीते थे सारे राज्य में। हाँ, 19 में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ। ये सुनो, यही जनता है, यही जनता है। जनता के सामने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाई। क्या हुआ भाई, सच्चाई सामने आती है। आप कहते हैं कोर्ट बीजेपी चला रही है। बिल्कुल। हा? और क्या, अरे भाई, न्यायालय बीजेपी, मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट नहीं, ईडी सीबीआई को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए कहाँ छापे लगने चाहिए और कहाँ छापे लग रहे हैं, बताइए। सुनिए, भ्रष्टाचारियों पे छापे पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पे। मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी कौन है, कौन है आप बताइए? जो खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं। अच्छा, अमित शाह भ्रष्टाचारी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। क्या अडानी से जा रही है? तो होने दीजिए, सब पानी का। मैं कहना चाहता हूँ, सुनो 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 सुनो, देश की जनता को समझ में आ रहा है। पिछली बार, पिछले साल 10 दिन तक राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगे, क्या निकला बताइए? अरे ये आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि जहाँ छापे लगते हैं उनको बंद कर देते। कांग्रेस पार्टी है भाई, याद रखिए। मैं आपको फिर बता दूं, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज जनता के सामने इनकी हार निश्चित है भाई। और सुनो, अभी 5 राज्यों के बाद ये आगे करता है। सब जानते हैं कि बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है, बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है। बताइए, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई